फरवरी को हुई रॉबरी और 23 ऑफ फरवरी को रजिस्टर की गई एफआईआर में 3 एक्यूज्ड पर्संस को अरेस्ट कर लिया गया है। वेल, यहाँ बात हो रही है एक्ट्रेस सोनम कपूर और उनके हस्बैंड अनंत आहूजा के डेली रेजिडेंस में हुई रॉबरी की, जो कि डेली के अमृता शेरगिल मार्ग पर लोकेटेड है, जहाँ इस हाई प्रोफाइल केस को काफी हिडन रखा जा रहा था। वहीं कुछ दिन पहले ही ये न्यूज फायर की तरह सब जगह फैल गई, जिस पर एक ऐसी अपडेट आई है विच इज क्वाइट गुड एंड हैपनिंग फॉर सोनम्स इन लॉज फैमिली। रॉबरी किसी बाहर के पर्सन ने नहीं बल्कि घर में ही दो काम करने वाले वर्कर्स ने की थी, जहां 2.5 करोड़ की ज्वेलरी और कैश चोरी होने की एक्यूजेशन थी। सोर्सेस की माने तो 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ तो पुलिस ऑलरेडी रिकवर कर चुकी है। जहां कल यानी 14th ऑफ अप्रैल को ये न्यूज थी कि घर में काम करने वाली नर्स अपर्णा रूथ विल्सन और उनके हस्बैंड नरेश कुमार सागर को अरेस्ट किया गया है, तो वहीं अब खबर ये है कि ज्वेलरी जिस गोल्ड स्मिथ को सेल की गई थी उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। ज्वेलर देव वर्मा ने ये कन्फेस किया है कि उन्होंने स्टोलन ज्वेलरी यानी डायमंड बैंगल्स, डायमंड ब्रेसलेट, 100 डायमंड्स, 6 गोल्ड चेन्स, 1 ब्रास क्वाइन और 2 टॉप्स को बाय कर नरेश को कुछ अमाउंट कैश और कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन की थी। अपर्णा और उनके हस्बैंड नरेश ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने स्टोलन अमाउंट से अपने डेट्स को पे किया, अपने पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पे किया, अपना हाउस रेनोवेट करवाया और साथ ही एक सेकेंड हैंड हुंडई i10 बाय की। इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने 40 एम्प्लॉय से पूछताछ की थी, जिसे 2 मंथ्स के बाद इस रॉबरी में एक्यूज्ड पर्संस को अरेस्ट किया गया है। वेल नाउ विविश की सोनम और अनंत को कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि हैप्पीनेस ही एक्सपीरियंस करने को मिले, एज सून दे आर गोइंग टू बी पेरेंट्स एज वेल। फॉर मोर सच बॉलीवुड अपडेट्स एंड न्यूज, कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।